तो वेलकम बैक गाइस टू द वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपैड 9 जेन के बारे में। मैंने आईपैड मिनी 6 के रिगार्डिंग बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, बट मैं सोचा कि आईपैड 9 जेन के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि आईपैड का सबसे मोस्ट सेलिंग आईपैड में से एक है, जो आईपैड का बेसिक वाला वेरियंट है वो। तो उसी के बारे में हम लोग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं कि मैं सिटी उतरा था और सिटी में मेरे साथ बहुत सारे स्क्वाड उतरे थे, ठीक है। तो मेरे सामने वाला बिल्डिंग पे ना एक बंदा था, तो मैं उसको डैमेज दिया जब छत में जाके, तो मैं सोचा उसके ऊपर पुश कर देता हूँ। भाई जैसे ही मैं इस बंदे को फिनिश करता हूँ ना, मुझे नीचे से गनशॉट का साउंड आता है, तो मैं जैसे ही कूदता हूँ ना वो सब बंदे को मारने के लिए, ये देखो भाई मेरा सब क्या, भाई मेरा HP व्हाट द हेक, इतना डैमेज पड़ा ना। मैं तुरंत इस बिल्डिंग के अंदर घुसा और फटाक से हीलिंग किया, और उसी वक्त मुझे फुटस्टेप आता है। तो गाइस ये वाला स्क्वाड का तो दो बंदे का तो मैं फिनिश कर दिया, तो मैं बाकी दो बंदे का ना मुझे पोजीशन पता नहीं था, तो मैं तुरंत एंगल चेंज कर लेता हूँ और जो बड़ा वाला बिल्डिंग होता है ना उधर जाता। और जैसे मैं बड़ा वाला बिल्डिंग का छत में जाता हूँ ना, मुझे भाई दिखता है कि वो बंदा क्रॉस कर रहा है लेफ्ट साइड से राइट साइड तक। भाई मैंने सोचा कि मैं उसको इजीली मार दूंगा, ठीक है, उस जगह से। लेकिन मैं जैसे इधर आता हूँ ना, वो देखता हूँ बंदा TPP लेने आ गया मेरे अगेंस्ट। और उसके बाद मैं जैसे ही अपना नेट पुल करता हूँ ना उसको मारने के लिए, ये देखो अभी नेट पुल करूँगा मैं मारने के लिए, भाई वो बंदा भागने लगता है, मैं फटाक से नेट कैंसिल करता हूँ। भाई इस बंदे को मैंने जैसे ही नॉक करता हूँ ना उसको तुरंत फिनिश करने जाता हूँ, और फिनिश करने के बाद मैं बिल्डिंग के अंदर घुसते ही मुझे बॉट फायर का साउंड आता है। तो मैं जैसे ही बॉट को मारने जाता हूँ ना, देखो क्या होता है, भाई मैंने उस बॉट का किल भी चुरा लिया और इस बंदे को मैंने इतना डैमेज दिया ना, मुझे लगा ये बंदा नॉक हो जाएगा भाई, बट नॉक हुआ ही नहीं। बट मैं आगे जैसे जाता हूँ नेट पुल करने, मुझे फुटस्टेप का साउंड आता है कि वो लोग घर पे घुस चुके हैं। तो मैंने नेट नहीं डाला, बट मैं सिंपली जब ब्रोकन वॉल को क्रॉस करता हूँ ना, भाई अगर वो बॉट नहीं आता ना मुझे ये स्क्वाड के बारे में पता ही नहीं चलता भाई। और भाई काश वो बॉट आया और मैं ये लोग को स्पॉट कर पाया, वरना मैं तो ओपन में जाता और ये लोग मेरा पेट ही डाल देता। बट कोई ना, इसके साथ साथ गैस मैं बात कर लेना चाहता हूँ कि जो आईपैड 9 जेन है ना उसके बारे में। तो गैस देखो आईपैड 9 जेन जो है ना वो इसी साल का हम लोग को लास्ट क्वार्टर वाला जो लॉन्च बन है, मतलब अगले महीने सेप्टेम्बर या फिर अक्टूबर महीने में हम लोग को देखने को मिल सकता है आईपैड मिनी 6 के साथ। तो गैस देखो iPad 9 जेन जो iPad का बेस वाला वेरिएंट हो ना, उसमें Apple वाले कुछ ज़्यादा चेंजेस करता नहीं है, लेकिन वो iPad का सबसे बेस्ट सेलिंग डिवाइस में से एक है। मतलब जितना भी सारा iPad है ना, तो iPad का जो बेस वाला वेरिएंट है ना वो सबसे ज़्यादा बिकता है, क्योंकि एक iPad एक बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली हम लोग को एक डिवाइस देखने को मिल जाता है, बहुत ही कम बजट में और बहुत ही अच्छा अच्छा फीचर्स उसमें देखने को मिलता है। लेकिन इस बार का जो iPad होगा ना वो सेम टू सेम हम लोग को iPad Air 3 जैसा ही देखने को मिलेगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, फीचर्स, चिपसेट वगैरह, मुझे एटलीस्ट पर्सनली सेम कुछ लगता है कि ज़्यादा चेंजेस इसमें हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसा बोल रहे हैं, इवन मुझे भी सुनने में आ रहा है कि iPad के जो बेसिक वाला वेरिएंट है ना उसमें हम लोगों को A13 या फिर A14 बायोनिक चिपसेट देखने को मिल सकता है। तो गाइस देखो मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बना चुके हैं कि एप्पल वाले जो होता है ना अपना जो बेस वाला जो वेरियंट होता है ना iPad का, उसमें जो चिपसेट होता है ना वो सेम चिपसेट को हर 2 साल में चेंज करता है। एक चिपसेट को iPad का जो बेसिक वाला वेरिएंट है उसमें 2 साल में चेंज करता है, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वो लोग चेंज नहीं करता, हर एक साल में अपग्रेड नहीं करता, क्योंकि कोई सा भी चिपसेट हो ना वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इजीली काम चल जाता है उससे। अगर इस साल चेंज कर दिया तो अगले साल वो लोग क्या चेंजेस लाएगा, क्योंकि वो लोग को भी आगे वाला जो डिवाइस होता है लाइक iPad mini 6 या फिर iPad Air वो वाला डिवाइस भी तो सेल होना चाहिए ना। अगर सेम चिपसेट हम लोगों को iPad का जो बेसिक वाला वेरियंट उसमें दे दे, तो कोई ऑब्वियसली ना iPad Air कौन परचेस करके अगर सेम चिपसेट हम लोग को देखने को मिलेगा, तो दैट्स द थिंग। इसीलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग को शायद iPad Air 3 जैसा ही सेम टू सेम चीज़ें ही देखने को मिलेगा, बट स्टोरेज के मामले में थोड़ा चेंजेस हो सकता है,
लाइक आईपैड एयर 3 में क्या होता है कि उसमें हम लोग को 64 GB और 256 GB देखने को मिलता है, लेकिन आईपैड का जो बेसिक वाला वेरियंट है उसमें हम लोग को 32 GB और 128 GB ये देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप लोग अभी गेम प्ले का बात करें ना, तो गैस मैंने उस बंदे को जो गाड़ी लेके मेरे पे आया था ना, उसको तो मैं मार दिया। उसको मारने के बाद ही ना मुझे दिखता था कि ओम वाले बंदे आ रहे हैं, तो मैं तुरंत उसको मारने के लिए कूदता हूँ। और मैं जैसे कूदता हूँ ना भाई, फिर से मेरा पेटी भाई भाई मेरे को नूब की तरह मार दिया भाई। मेरे को बहुत गुस्सा आया मेरे को, मैं लेफ्ट वाले को देखने के कि मुझे को राइट वाला मार दिया। बट कोई ना गाइस, आप लोग ऐसे सपोर्ट करते हैं ना, आप लोग से सपोर्ट से ना बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और गाइस वीडियो को अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो ना, तो राइट साइड वाला वीडियो को क्लिक करके आप लोग देख सकते हो कि आईपैड में क्लच करना है इजी क्यों है वो वाला वीडियो, और लेफ्ट साइड वाला वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो कि आईपैड मिनी 6 में हम लोग को 90 FPS क्या देखने को मिल सकता है वो वाला वीडियो। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, मिलता है शाम वाला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।